good morning students we are going to study about the functions of plasma membrane this is for fybsc class uh, we know that plasma membrane is nothing but the cell membrane it is also called as cytoplasmic membrane it contains 20 to 70 percent protein 28 to 80 percent lipids 1 to 5 percent oligosaccharides and 20 percent water इट इट हैज अ कंटिन्यूअस बाइलेयर ऑफ फॉस्पोलिपिट मोलिक्यूल्स विथ ग्लोबुलर प्रोटीन्स अटैच टू इट सो लेट इज गो फॉर स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेमरेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेमरेन प्लाज्मा मेमरेन के फंक्शंस क्या है यह प्लाज्मा मेमरेन कहाँ पर है यह ग्रीन कलर का बाहर के साइड में दिख रहा है हम लोगों को तो प्लाज्मा मेमरेन से कुछ मटेरियल अंदर आता है वो क्या मटेरियल होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल सो इट इज़ अ साइट फॉर एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल क्या होता है इट इज़ अ साइट फॉर एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ अ बैक्टीरियल सेल ये पहला फंक्शन है बैक्टीरिया खाना कैसे खाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो कोई न्यूट्रिएंट अंदर आएगा तो वो उसके लिए खाना होगा सेकेंड वन इट हैज़ एन्जाइम्स फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ कंपाउंड्स लाइक पेप्टेडोग्लाइकैन टिकॉइक एसिड पॉलिसैकराइड लिपोपोलिसकेड एंड फॉस्पोलिपिड्स तो पेप्टेडोग्लाइकैन टिकॉइक एसिड पॉलिसेकराइड लिपोपोलीसैक्राइड और फॉस्पोलिपिड ये मोलिक्यूल्स सेलवॉल के हिस्से में होते हैं ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिस्से में होते हैं तो वहाँ पे अगर न्यू बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसाइज करना है बैक्टीरिया को तो ये न्यूली सिंथेसाइज कंपाउंड वहाँ पे डालना इजी होता है इसीलिए बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एंजाइम्स होते हैं पेप्टेडोलाइकैन टिकोइक एसिड पॉलिसेक्राइड लिपोपोलीसेकेराइड एंड फॉस्पोलिपिड सिंथेसाइज करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तीसरा फंक्शन है इट इज़ अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोजोम एंड प्लाज्मे डीएनए तो बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस होता नहीं है तो क्या होता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम कैसा होता है वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं छोटे छोटे प्लाज्मिक डीएनए होते हैं तो वो कहीं गुम न होने के लिए उनको इंटैक्ट वही पोजिशन में हेल्ड करने के लिए दोनों साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बैक्टीरियल क्रोमोजोम और प्लाज्मिक डीएनए अटैच होते हैं चौथा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इट इट हिट फॉर्म्स अ मीजोजोम मीजोजोम माने क्या एक पाउच होता है कहाँ पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है कौन से हिस्से में होता है एक ऊपर के हिस्से में मिसोजोम होता है सामने के बराबर नीचे के हिस्से में पिमिजोजोम होता है वो क्यों होता है क्योंकि वहाँ पे इट कैरी आउट द रेस्परेटरी एक्टिविटी ऑफ अ बैक्टीरियल सेल हमको यू ऑर्गेनिज्म को नोज दिया है नाक की वजह से हम लोग रेस्पिरेशन कैरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स बैक्टीरिया में वैसी सिचुएशन नहीं है तो मिसोजोम की वजह से वहाँ पे रेस्पायरेटरी एक्टिविटी होती है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैट इट प्रोवाइड्स परमियाबिलिटी बैरियर ऑफ सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इन साइड टू आउट साइड ऑफ अ सेल मैने बैक्टेरियल सेल का एक्सक्रीशन का प्रोसेस mm, भी mm. ये प्लाज्मा मेम्बरेन की वजह से कंप्लीट होता है कैसे कि बैक्टेरिया की बॉडी के फिजियोलॉजी और मेटाबोलिज्म के बाद में उसकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है वो बाहर फेंकने का काम ये प्लाज्मा मेम्बरेन करता है सो दिस इज अब ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज ऑलवेज सिलेक्टिव परमियाबिलिटी सिलेक्टिव परमियाबिलिटी माने क्या वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह से काम करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर के हिस्से में तो वो किसी को किसको अंदर जाना दे जाने देना है बैक्टीरिया की बॉडी में और किसको बाहर जाने देना है तो वो सिलेक्ट करता है और वो किसी को अंदर आने देता है न्यूट्रिएंट को और वेस्ट मटेरियल को बाहर जाने देता है सो सिलेक्टिव परमियाबिलिटी इज मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन